लगातार मूसलाधार बारिश के कारण डुमरी प्रखंड अंतर्गत बलथरिया पंचायत के बाराडीह बस्ती से होकर बाराडीह टंडपार जाने वाले मुख्य रास्ता था, जो मूसलाधार बारिश होने के कारण रोड का मिट्टी घात जाने से आने जाने वाले को बाधित हो गया। लोगों को 1 किलोमीटर से जाना पड़ता था, लेकिन अब 5 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग इसी रास्ते से बाजार या मार्केट जाया करते थे, अब हम लोगों को काफ़ी मुश्किल बढ़ गया। हम लोगों को अब दूसरा रास्ता से घूम कर जाना होगा। वहीं स्थानीय मुखिया सह प्रधान राजेंद्र प्रसाद महतो ने बताया कि हम लोग को जब भी पंचायत सचिवालय जाने को रहता था तो इसी रास्ते से हम लोग आना जाना करते थे, लेकिन रास्ता टूट जाने के कारण हम लोगों को काफ़ी मुश्किल होगा। इस रास्ते से लगभग 2000 आबादी के लोग आते जाते थे। मिट्टी धस जाने से गिरिडीह जिला एवं बोकारो जिले को जोड़ता है। मुखिया जी ने यह भी बताया कि किसी को बोकारो जाना रहता था तो इसी रास्ते से जाया करते थे, साथ ही धनबाद जिला भी इसी रास्ते से जाया करते थे, जो रास्ता मूसलाधार बारिश के कारण बह गया। इससे ग्रामीणों को काफ़ी क्षति प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि इसका घर बारिश के कारण किसानों की खेती में भी फसल नुकसान होने की संभावना है। मुखिया ने बताया कि इसकी सूचना प्रखंड जेई को दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस रोड को जल्दी मरम्मती की जाएगी। देखिए, इस रास्ता से लगभग हमारे प्रत्येक दिन लगभग 2000 व्यक्ति को आना जाना होता है, और ये रास्ता गिरिडीह और बोकारो से जुड़ा हुआ है। हम पंचायत सचिव को अवगत करवाएं कि भारी वर्षा होने के कारण ये रोड क्षतिग्रस्त हो गया है और यहाँ पुल का अति आवश्यक, और हम चाहेंगे जितना जल्दी हो सरकार के माध्यम से हम 10 से 15 दिन में इस रोड को ठीक करने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपने किसके किसको खबर को? पंचायत सेवक को, जई को हमने सुना दिए। तो अभी अधिकारी बोले कि हम जैसी बारिश खत्म होगा तुरंत हम आएंगे। किसको बोला गया है, सूचना किनको दी है अभी तक? अभी तक हम पंचायत सचिव और जो हम लोग का जई है अभियंता है उसको हम सूचना दिए हैं। तो आप जनता के बारे में क्या कहिएगा? जनता के बारे में इसमें आश्वासन हम दिए हैं कि जितना जल्दी हो बारिश खत्म होगा पानी को हम कन्वर्ट करेंगे और जल्द से जल्द इस रोड को हम पुनः चालू करेंगे। लगभग कितने लोग इस रास्ते से आना जाना? लगभग इस रास्ते से 2000 प्रत्येक दिन, 2000 व्यक्ति प्रत्येक दिन इस रास्ता से आवागमन करते हैं गिरिडीह जिला और बोकारो जिला। अभी हमारे स्टेशन जो गमो है तो गमो से भी उतरता है, वहाँ से भी आवागमन होता है, चंदनपुरा हो जितना भी है, सब प्रवासी मजदूर हो या तो फिर यात्री हो, जितने भी है प्रत्येक दिन 2000 की संख्या में आवागमन करते हैं। नाम हुआ बाबा आपका? रामायण महतो। आपके यहाँ रोड टूट गया है, आप इसी रास्ता से आते जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? आते जाते हैं इस रास्ता से, कहाँ आते जाते हैं आप लोग? कहाँ जाए, बाजार है नगरी की आते हैं रास्ता से। अब ये तो रास्ता टूट गया है, तो हम सब आप कितने किलोमीटर के दूरी पे करके जाइएगा? अभी टूट गया तो किलोमीटर ढेर पड़ेगा, टम्पू से जहाँ गई थे। तो आप इस रास्ता से अब नहीं जाने बनेगा ना? आपके यहाँ रोड जो टूट गया है इसके बारे में क्या कहिएगा? बनाने के लिए कहेंगे। कैसे बनेगा ये? सरकार के माध्यम से बनेगा कि पब्लिक से अपने से बनाएगा? तो इस रोड के बारे में क्या कहिएगा, कितना दिन पहले बना था रोड? ये करीब 5-7 साल हो गया। अभी तक रोड का निर्माण फिर से नहीं हुआ था? नहीं, फिर तो आप क्या चाहते हैं अभी सरकार से मांग की जो रोड आपके यहाँ, आप लोग क्या आने जाना इसी रास्ते में करते हैं? हाँ, बराबर इसी रास्ते से आने जाना। कहाँ जाते हैं आने जाने का? आना जाना कहाँ करते हैं आप लोग? इधर खेती सब है, खेती सब आना जाना होता है, और दूसरे गांव का भी लोग आना जाना करते हैं। और रास्ता से जाते हैं मार्केट? तो हम लोग उस बस्ती में हैं, इधरे से जाता है ये बस्ती वाले।